एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा। सीता माता, अरे कितना सुंदर हिरण है, ये तो सुनहरे सुनहरे रंग का है। स्वामी स्वामी स्वामी। हाँ सीते, बताओ क्या हुआ? स्वामी, मैंने वहां एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है, क्या आप मेरे लिए बुला सकते हो? जी भैया, मैं अभी आता हूँ, अपनी भाभी का ख्याल रखना। अपने भैया की रक्षा के लिए जाओ। माते, मुझे तो ये कोई मायावी शक्ति लग रही है, आप चिंतित ना हो, मैं भैया को जल्दी लेकर आ रहा हूं। माते, किंतु आप इस रेखा को पार मत करना। को पता था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार कर नहीं पाएगा और वो साधु का रूप धारण करके सीता माता को उठाकर लंका ले जाने के लिए आ गया। राम देवाई, भिक्षाम देवाई, ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए रिसीवर, मैं अभी आती हूँ। ये दीजिए रिसीवर। रिसीवर, हे देवी, एक साधु का इतना बड़ा अपमान, घर द्वार द्वार पर आए हुए को ऐसे भिक्षा देते हैं? जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं, रिसीवर, मैं आती हूँ। रिसीवर, मैं लाइन रेखा पार करके नहीं आ सकती। हे देवी, मैं अगर आप बाहर आकर नहीं देना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। रुको रिसीवर, मैं आपको भिक्षा दे बगैर नहीं जाने दूंगी। बचा।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप कौन हो मुनिवर? मैं राम भगत हनुमान हूँ। हे हनुमान, आर्या को कोई उठा ले गया है, वो उसको ढूंढने का कष्ट करे तो ये मेरी निशानी दे देना। चिट्ठी कहाँ से आई? ये तो मेरे स्वामी की है। जय सियाराम। मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। मैं कैसे मान लूं तुम्हें? मैं क्या ये अंगूठी मैंने ही डाली थी, ये मेरे श्री रामचंद्र भगवान ने दी है। अरे ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हनुमान, माता आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएगा, आज्ञा दीजिए। चिट्ठी कहाँ से आई? ये तो मेरे स्वामी की है। जय सियाराम। मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। मैं कैसे मान लूं तुम्हें? मैं क्या ये अंगूठी मैंने ही डाली थी, ये मेरे श्री रामचंद्र भगवान ने दी है। अरे ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हनुमान, माता आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएगा, आज्ञा दीजिए। अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। जय श्री राम।